राधे राधे। तो आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी, पहली जन्माष्टमी मैं मनाने जा रही हूँ इंडोनेशिया में। और यहाँ पे क्या क्या चीजें मुझे मिलेंगी, क्या फूल मिलेंगे, कुछ भी मुझे आइडिया नहीं है। तो जो जो चीजें होती जाएगी तो मैं आपको भी बताती जाऊंगी कि मेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा जन्माष्टमी का इंडोनेशिया। एंड गाइज, मैंने सोचा है कि इस बार ना मैं इस डाइनिंग, ये जो एरिया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे ही मैं स्थापित करूंगी, मतलब यहाँ पे मैं रखूंगी अपने कान्हा जी। तो गाइज, मैंने इतना डेकोरेशन कर लिया है और ये प्लांट लगाए हैं यहाँ पे पूरे इस जगह पे, और यहाँ पे मैंने एकदम ये लगा दी है माला। बहुत प्रिटी लग रही है क्योंकि व्हाइट के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जा रहा है। और इस बार मैंने सोचा ये मेरे पास एक बास्केट है, तो इसमें इसको डेकोरेट करके ना मैं कान्हा जी को यहीं पे रखूंगी। मुझे तो गाइज ये देखिए आप, ये की है मैंने डेकोरेशन, और यहाँ पे मैंने ना कुछ प्लांट्स भी रख दिए, तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे ही मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने ये माला लगा ली है, बहुत प्यारी लग रही है। और ये इसके नीचे सारी, ये देखिए आप, घंटियाँ लगाई हुई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कॉर्नर मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे ना मैंने ना लाइट लगा दी है, तो जैसे अभी कनेक्ट करूंगी और लाइट जलाऊंगी। और ये देखिए आप, तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और सिंदूर इंदूर लगा लिया है। यस यस यस, एक चीज और बच गई है, वो है बिंदी। तो बिंदी लगा लेते हैं। और आज मैंने पहनी है चूड़ियाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है चूड़ियाँ पहनना, मतलब इंडियन के साथ यू नो कंपलसरी होता है कि चूड़ी पहनो तभी आपको। तो ये बिंदी भी लग गई है, तो हम हो चुके हैं रेडी, क्योंकि अब मुझे ना जो अंदर मेरा मंदिर है, प्रॉपर जहाँ पे मंदिर है, उसका थोड़ी साफ सफाई करनी है। तो चलिए फोल कर लेते हैं। उसके बाद मुझे भिगाना है साबुदाना, क्योंकि हमारे वहाँ साबुदाना ही खाया जाता है, तो साबुदाना भिगाएंगे। उसके बाद जाना है फूल लेने, क्योंकि जैसा कि मैं मार्केट गई थी, बट मार्केट में मैंने देखा कि मुझे कुछ भी कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई दिया कि कहीं फूल मिलेंगे। तो नीचे एक गार्डन है, तो वहीं से जाके फूल लेके आते हैं। तो चलिए पहले कर लेते हैं मंदिर की थोड़ी बहुत सफाई। तो ये है गाइस मेरा प्रॉपर मंदिर, और यहाँ पे रखे मेरे लड्डू गोपाल। तो यहाँ थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैं करूँगी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं गार्डन में, थोड़े बहुत फूल वूल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि बाहर तो मैंने बताया आपको मिले नहीं थे। तो गाइस इतनी सारी, इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस है ना जो संदीप लेके आए हैं, और मैं ना मतलब पिछले ना 5 मिनट से सोच रही हूँ क्या पहनाऊँ क्या नहीं पहनाऊँ। मतलब ग्रीन कलर भी अच्छा लग रहा है मुझे, व्हाइट भी अच्छा लग रहा है। ये व्हाइट पहले सोचा बनाऊँ, फिर सोचा कि यार इसमें मोर बने हैं, तो मेरा मन कर रहा है कि ये वाले पहनाऊँ। तो सच में मैं बहुत कन्फ्यूज हो रही हूँ। और सब ना, इवन जब मैं भी खरीदने जाती हूँ तो मुझे इतनी चिड़चिड़ी लगती है ना ड्रेसेस की, कौन सी लूँ और कौन सी छोड़ूँ। तो देखते हैं यार इनमें से कौन से मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये पहना दूँ, और जब रात को मैं स्नान करवाऊँगी ना, तो उस समय हो सकता है ये मोर वाली अच्छी लगती है। तो एक काम करते हैं, अभी ये पहना देते हैं, और रात को जब जन्म होगा तो उस समय ये पहना देंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें ना पूरा एक मोर बना हुआ है। गाइस किशन जी को जो सबसे ज्यादा पसंद है ना, तो पहले लगा लेते हैं ये मोर पंखी। तो कान्हा जी रेडी हो चुके हैं, मैंने इनका स्नान करा के सारा, बिल्कुल वो जो ग्रीन वाली ड्रेस थी वो पहना दी है, एंड बहुत ही प्रिटी लग रहा है। और ये जो इनका मुकुट है ना, और कान्हा जी क्या बात है। गाइस मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, और लड्डू गोपाल भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। उनकी ड्रेस की बात करूँ चाहे मुकुट की बात करूँ, तो सच में हमेशा ही बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी ड्रेसेस तो इतनी अच्छी अच्छी आती है ना कि बस क्या बताऊँ। एंड एंड गाइस सारा काम हो गया, अब बची है खाने की बारी, क्योंकि 12 बजे खाना है, तो आराम से एक टेंशन नहीं थी माइंड में कर लेंगे। तो मैं भी खाने वाली हूँ ये साबुदाना, क्योंकि हमारे वहाँ तो मैंने बताया आपको साबुदाना आलू और ये ही बनता है। मतलब मायके में तो प्रॉपर बनता था खाना, बट यहाँ पे ये सारी चीजें ही बनती है। मैं आज बनाने वाली हूँ मेरी दीदी की रेसिपी, और जो की है मखाने की खीर।
हाय गाइस, तो हमारी खीर चढ़ चुकी है और आज ना मुझे ना अपने घर वालों की बहुत याद आ रही। वो इसलिए कि जब हम लोग छोटे थे ना तो वो व्रत रखते थे, कभी कभी रखते थे, और ना उसमें जो हमारी बड़ी दीदी थी ना वो अक्सर ये ना झांकी बनाती थी। झूला हमेशा हमारे घर में बनता था और बहुत इंतज़ार रहता था कि आज तो भैया पूड़ी कचौड़ी मिलने वाली है, आज के बच्चों को खिलाओ। तो बच्चे आज के बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाना चाहते, बट हम लोग तो ना इतना एक्साइटेड थे। त्यौहार मतलब खाना। एंड गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ शाम के लिए भी, क्योंकि अभी बजने वाली है, अभी तो बजी है लगभग 9:15 हुई है। एंड मैंने कहा चलो है 12 बजे के लिए हम भी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कुछ शाम को भी कुछ अच्छा पहनते हैं। एंड आज की डेकोरेशन देख के संदीप थोड़े शॉक थे, क्योंकि मैंने इनको बताया नहीं था कि मैं ऐसी डेकोरेशन कर रही हूँ। संदीप कैसा लगा तुम्हें डेकोरेशन देख के? बहुत बढ़िया। एक्चुअली ना आज ना मान्या ने भी फास्ट रखा है, तो मुझे लगा बच्चे भी ना इस तरह का जब कुछ देखते हैं ना, मतलब कुछ अच्छा डेकोरेशन या ये सब, तो उनमें और मोटिवेट होते हैं कि हम फास्ट रखें या और भी ज़्यादा मतलब धार्मिक बनते हैं थोड़े बहुत। एक छोटे से कान्हा जी भी हमारे घर पे आने वाले हैं थोड़ी देर में। एंड गाइज, आप देख सकते हैं छोटे से नंद गोपाल आ चुके हैं हमारे घर में, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत। तो ये आए ना तो ऐसा लगा जैसे जन्माष्टमी सफल हो। देखिए आप, नारियल पानी कान्हा जी के लिए, और ये जो छोटी सी अम्ब्रेला है ना एंड डेकोरेशन के लिए, वो भी ग्रीन कलर की है। तो गाइस 12 बज चुकी है, हैप्पी जन्माष्टमी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इंडिया में थे ना तो बम पटाखे से ज़्यादा पता चल जाता था, यहाँ तो बस घड़ी से ही पता चल रहा है। बट ठीक है, बहुत अच्छा लगा सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी बस किशन जी को स्नान कराते हैं, उनका जन्म हो चुका है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। और कन्हैया जी सच में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और उनकी ये जो ड्रेस है वो बहुत ही प्रिटी लग रही है, और परफेक्ट है आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर इतनी प्यारी ड्रेस। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो गाइस भोग मेरा तैयार हो चुका है, और बस किशन जी को भोग लगाते हैं और उसके बाद हम भी अपना उपवास तोड़ते हैं। तो गाइज ये था मेरा वीडियो, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।